नए साल 2022 में बरेली जोन का पदभार ग्रहण करते ही एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने मातहतों को कड़े निर्देश दिए। एडीजी जोन राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्राथमिकता रहेगी कि जो ऐसे लोग जिनसे कि चुनाव के प्रभावित होने की आशंका है उनको चिन्हित कर विभिन्न धाराओं में जैसे गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि बरेली जोन में क्राइम पेट्रोल रहे, आम जनमानस की सुनवाई समय पर थाने में हो, जिसको लेकर समय समय पर इसका जायजा लिया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाने में शिकायत करने पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जांच की जाएगी, जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके तहत तत्काल कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। नव वर्ष के दिन एडीजी बरेली जोन का कार्यभार मैंने ग्रहण किया है और एस एडीजी जोन बरेली जो इस जोन के अंदर के जितने भी जनपद आ रहे हैं उनमें हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहेगी, क्राइम कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये पुलिस की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता वही रहेगी। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना ये जिम्मेदारी भी पुलिस की है और ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। आम व्यक्ति जो है उसकी सुनवाई थाना स्तर पे हो, थाने पर आए तो उसकी बात सुनी जाए और उसमें कार्रवाई हो त्वरित गति से, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे जोन में। इसके अतिरिक्त जो भी छोटी मोटी लोकल समस्याएँ या लोकल दिक्कतें आती हैं उसका भी निराकरण समय समय से हम लोग कराते रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पुलिस के सामने है, विधानसभा चुनाव है, उसको सकुशल संपन्न कराना और ऐसे तत्व जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं उनके विरुद्ध, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध विभिन्न एक्ट के तहत, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई करना, जिससे कि चुनाव के समय कोई गड़बड़ी ना कर सके और प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर के अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।